70 बड़े एनपीए खातों की समाधान योजना की समय सीमा आज आधी रात खत्म हो रही है। आरबीआई ने इसके लिए बैंकों को 6 महीने का वक्त दिया था और वैसे मामलों का निपटारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में किया जाएगा। इन खातों में बैंकों का कुल 3,800 अरब रुपए का कर्ज फंसा हुआ है। कंपनियां अब इस मामले में अदालत से राहत की उम्मीद लगा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 70 बड़े एनपीए खातों की समाधान योजना को अंतिम रूप देने की समय सीमा आज पूरी हो रही है। तय समय सीमा से पहले बैंक जोर आजमाइश में लगे रहे ताकि कर्ज नहीं चुका पा रही इन कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने की नौबत टाली जा सके और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में समाधान के लिए जाने से बचा जा सके, जिसमें बैंकों को नुकसान होने की आशंका है। There cannot be two issues that in case a person has diverted money and misused the money, then strict action should follow. So giving such deadline of 1 day default and the 6 month resolution probably is going to be a challenge. And I say today the 70 odd companies which are facing this problem, having a somewhere I believe 380,000 crore rupees of the default law on the loan, is going to be a big challenge. Many of these companies are in the power sector. We all know that power sector is passing through a difficult phase. There are stressed assets. What are the projection, estimation, the profitability, the fund flow they have worked out are not happening because of the rates going down, cost being out of the proportion. So all those challenges are coming up. कंपनियां इसके खिलाफ अदालत पहुंच चुकी हैं, लेकिन अलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर कल सुनवाई होगी। आरबीआई ने 70 एनपीए खातों की समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैंकों को 180 दिन का समय दिया था। इन खातों में बैंकों का कुल 3,800 अरब रुपए का कर्ज फंसा है। इन कंपनियों में से अधिकांश बिजली उत्पादक कंपनियां हैं। बिजली क्षेत्र के अलावा इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।